हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सो आज हम चेस्ट एक्सरे के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम समझेंगे कि चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट जो होती है वो किस तरीके से रीड करनी है। देखिए, यहाँ पर मैं फिल्म आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि इसमें ब्लर आएगी, यानी कि पूरी क्लियर हम नहीं देख सकते। सो मैं कंटिन्यूसली इसको थोड़ा सा रिपोर्टेड कर रहा हूँ कि कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको इस तरह की वीडियोज़ एंड आपको फिल्म सहित भी आपको क्लियर करो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बहुत जल्दी करना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या देखना है, देखिए ट्रेकिया सबसे ऊपर लिखा है, चेस्ट एक्सरे पी ए व्यू यानी पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू, राइट। तो यहाँ पर देखना है, सबसे नंबर वन पर लिखा हुआ है ट्रेकिया एंड मीडियास्टिनम सेंट्रल प्लेस्ड, यानी कि जो आपकी ट्रेकिया यानी कि ये दोनों लंग्स हुए, जो ट्रेकिया है इस लाइन पे, यानी कि ट्रेकिया आपका सेंट्रल में है, अगर इधर जाएगा या इधर जाएगा तो वो दोनों कंडीशंस अलग हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें नंबर टू की, तो हाइलर शेडो देखिए नॉर्मल है, हाइलर शेडो होती है। तो यहाँ पर अब मैं फिल्म अगर होती तो मैं आपको शो करता, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आपको फिल्म के द्वारा समझाऊँ, ठीक है। हाइलर शेडो भी नॉर्मल है। ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग, जो ब्रोंकस होते हैं वो मार्किंग होती है, वो भी नॉर्मल है। अगर हम वो तो लंग फील्ड्स की बात करें, यानी कि जो लंग्स के दोनों तरफ के फील्ड्स हैं वो भी नॉर्मल है। बोथ सीपी एंगल क्लियर बात करें तो सीपी एंगल जैसे हार्ट जैसे पे है, और इस जगह पे सीपी एंगल होते हैं, इस जगह पे सीपी एंगल होते हैं, तो दोनों क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी फ्लूड उसमें भरा नहीं है, गैसेस वगैरह नहीं है, प्लूरिसी नहीं है पेशेंट को, ऐसी कंडीशंस नहीं है। कार्डियक शैडो की बात करें नॉर्मल, जैसे कि हार्ट के कार्ड शैडो बन जाती है ना उसमें एक्सरे में, तो वो भी नॉर्मल है। एंड ओपिनियन सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है, ओपिनियन में हमें क्या देखना है, तो देखिए ओपिनियन में हमें देखना है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। देखिए पेशेंट को क्या है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड प्लीज कोरोलेट क्लिनिकली। तो यहाँ पर देखिए क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, यानी कि जो पेशेंट के ब्रोंकस हैं वो इन्फ्लामेशन हो गया, वहाँ पर सूजन आ गई है, ब्रोंकाइटिस आइटिस जहाँ पर लग गया, यानी कि सूजन और स्वेलिंग वहाँ पर पेशेंट को आ रही है। तो ये है नॉर्मल चेस्ट एक्सरे की रिपोर्ट। सो यहाँ पर हम केवल पेशेंट को डिनोट कर रहे हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, तो ये पेशेंट को जो रिपोर्ट्स है आपको डॉक्टर के पास ले जानी है एंड डॉक्टर से कंसल्ट करनी है और आपको ट्रीटमेंट लेना है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं वीडियो में, नहीं करके तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।